मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज का टुकड़ देख रहे हैं। महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप एचआरए को लेकर एक अभियान जो पूरे प्रदेश के लिए मुहिम बन गया। शुरुआत तो एक संगठन की तरफ से किया गया, लेकिन बाद में उसके बाद जो कारवां लंबा होता गया उसने सरकार के भी होश उड़ा दिए। 5 दिनों का निश्चितकालीन आंदोलन अब एक बार फिर से आक्रोश के सुर के साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे वो तमाम नेतृत्वकर्ता, वो तमाम लोग जिन्होंने ना सिर्फ इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की बल्कि सरकार तक भी इस बात के संकेत पहुंचाने की कोशिश किए कि अगर कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करने की कोशिश की गई तो इसका आने वाले दिनों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहा यह जाता है कि जब एक संगठन को आप संचालित करते हैं तो उसे चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन एक साथ 80 संगठन या यूं कह लीजिए 80 से भी ज्यादा संगठन, ये ना तो भूतो ना भविष्यति, शायद इससे पहले हमने कभी देखा भी नहीं था जब एक मांग पर, एक मंच पर, एक बैनर तले तमाम वो संगठन एक सुर में अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। कमल वर्मा उस महा आंदोलन के एक नायक बनकर सबके सामने आए, हम उनसे बात करेंगे। आज 5 दिवसीय आंदोलन के खत्म होने के बाद आखिरकार 72 घंटे के बाद ऐसी क्या नौबत आई कि फिर से यहाँ पर इन्हें तमाम लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और क्या कुछ शंखनाद करने की इन लोगों ने आज यहाँ पर एक कोशिश की है जिसका आने वाले दिनों में हमें देखना और अमल में लाने का जो एक सिलसिला है वो हमें देखने को मिलेगा। सर, आखिर क्या नौबत आई कि 72 घंटे के बाद एक आंदोलन, तीसरा चरण आप लोगों ने खत्म किया और उसके बाद फिर से आप लोग 72 घंटे के बाद एक बार एक नए आंदोलन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो? देखिए, प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी महंगाई भत्ता और जो गृह भाड़ा भत्ता जो कि हमारे वेतन का एक हिस्सा है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा हक है, उसके लिए पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी जो केंद्र और राज्य के बीच में जो है महंगाई भत्ते का जो गैप हुआ है, इस गैप को देखकर बहुत आक्रोशित है। उनको चिंता है, सामने त्यौहार है, उनके परिवार जो इस महंगाई के कारण अपने परिवार का भरण पोषण करने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए हम चाहते हैं, चूँकि यह चरणबद्ध आंदोलन है, 4 चरणों में हमने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। 25 जुलाई तक, 29 जुलाई तक पूरे प्रदेश को हमने बंद किया, पूरे शासकीय कार्यालय ठप रहे और हमने आज तय किया है, चूँकि 4th चरण में हमको अनिश्चितकालीन में जाना है, हमने चीफ सेक्रेटरी को 30 मई को ही नोटिस दे दिया था, उसके बाद में भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस हमको नहीं मिल रहा है, एक संवादहीनता की स्थिति है। तो आज हमारे पूरे प्रांताध्यक्ष, 28 संगठन के प्रांताध्यक्ष, जिला संयोजक, संभाग प्रभारी सब ने मिलकर तय किया है कि हम 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। सर, काफ़ी सारे संगठन को लेकर साथ चल रहे हैं आप, जब मैं बाहर मौजूद था लेकिन जब मैं आप जब संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान काफ़ी सारे लोग सुन भी रहे थे। यहाँ पर जितने भी संगठन के लोग आए हैं वो हो सकते हैं उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा होगा, क्या सारे लोग आपके इस 22 अगस्त के साथ उसी शर्त पे, चूंकि हमने ये देखा था कि सिर्फ 2 ही मांग थी जो आप लोगों ने 5 दिवसीय आंदोलन किया था, जब अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ आप लोग बढ़ेंगे तो क्या उन मांगों में इजाफा होगा? क्योंकि मैंने आपकी आलोचना भी देखी है, जब आपने रसोईया संघ और अन्य लोगों की मांगों को जोड़ा था तो आलोचना की गई थी कि 2 सूत्री मांगों को लेकर 4 सूत्री मांग क्यों बदला गया। ऐसी स्थिति में जब आप अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे तो मांग सिर्फ वही 2 मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, या मांगों में इजाफा होगा? जब मांग पत्र आप सौंपेंगे तो उसमें अन्य मांगे भी शामिल होगी? नहीं, हमारा वो जो निर्णय जो था वो एक रणनीति के तहत हमने निर्णय लिया था। हम चाहते थे कि ये जो पूरे प्रदेश का पूरा सिस्टम बंद हो जाए, जितने भी शासकीय कार्यालय है जहाँ अनियमित कर्मचारी साथी जो काम करते हैं 1,80,000, मैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे आह्वान पर हमारे इस आंदोलन में भाग लिए। मैं रसोईया संघ के तमाम साथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि बेचारे रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले ऐसे संगठन के लोग हमारे ऊपर विश्वास करके पूरे मध्याह्न भोजन को बंद कर दिया। एक मध्याह्न भोजन का बनना बंद हो गया था, आप अखबारों के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि बच्चे जो है खाली पेट घर आ रहे थे। हम जो है इस समय, इस दौरान जो है प्रदेश के आम जनता को भी काफ़ी कठिनाई हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं, लेकिन हमारे पास इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बन गया है, नहीं बचा है, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार है और एक संवादहीनता के कारण में ही ये स्थिति निर्मित हुई है। सर, वो मांग पत्र को लेकर मेरा सवाल था, क्या मांगों में इजाफा करेंगे क्या? नहीं नहीं, कोई मांग में इजाफा नहीं होगा, सिर्फ 2 मांग पत्र को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन करेंगे। अनियमित कर्मचारी संघ वाले पहले से ही अनिश्चितकालीन 1 अगस्त से करने का उन्होंने ऐलान किया है, हम उनसे संवाद करेंगे और वो संगठन भी
ये जो हम 22 तारीख से जो करने जा रहे हैं, हम लोगों के साथ में वो संगठन भी आए, रसोईया संघ भी उसी समय आ जाए, ये सब अपने अपने मांग को लेकर आएंगे, लेकिन हमारा सिर्फ दो सूत्री मांग को लेकर केंद्र के समान महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, सिर्फ दो मुद्दे को लेकर हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक जो हमारे बीच में जो संगठनों की संख्या है, पहले हम लोग 70 संगठन थे जब इस आंदोलन को चालू किए, अब जो है 88 संगठन हो गए। अब बहुत सारे संगठन अभी भी मेरे से संपर्क कर रहे हैं और यह आंदोलन का स्वरूप और विशाल होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये फेडरेशन के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ा है, वो हम लोगों के बीच में जो पारदर्शिता है और हम लोगों के बीच में जो आपस में जो संवाद करते हैं, हमारे बीच में कोई संवादहीनता नहीं है, एक भाईचारा, एक प्रेम के साथ हम लोग इस फेडरेशन को चलाते हैं, इसीलिए हमारा कारवा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। राजेश सर, क्या आप कोई चारा बच नहीं रहा? अनिश्चितकालीन आंदोलन, मतलब ये मान लिया जाए कि आप चरम पर हैं, आप इससे ज्यादा आंदोलन का कोई शीर्ष नहीं हो सकता, आप अनिश्चितकालीन चले गए, मतलब आपने अपना ब्रह्मास्त्र आप लोग छोड़ने की तैयारी में है, क्या और कोई विकल्प नहीं बचा था आप लोगों के पास? विकल्प तो सरकार के पास था, सरकार चाहती थी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को रोक सकती थी, लेकिन सरकार अगर निद्रा में चला जाएगा तो उसको जगाने के लिए हमारे पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए और कोई असर बचा ही नहीं। तो हम यही कह रहे हैं कि सरकार अभी जाग जाए, नहीं जागेगा तो पूरे जो सरकारी व्यवस्था है फिर से ठप होगा। सर, आप लोगों ने इतने सारे आंदोलन किए होंगे अपने कर्मचारी जीवन में, ये पहली बार हमने देखा कि कोई संवाद की स्थिति नहीं बनी, हमने ये नहीं देखा कि वार्ता के लिए कोई बुलाया गया या किसी तरह की पहल की गई, तो ये कुछ हैरत में नहीं डाल रहा कि ऐसा लग रहा है इसे सब्र का इम्तिहान हो रहा हो, एक तरह से प्रतिद्वंदिता हो जिसका कोई असर फिलहाल दिखता नहीं दिख रहा, आप लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार इतना हठ धर्मिता पर क्यों उतर आई है, इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है। अपना वेतन तो ये लोग बढ़ा लिए विधानसभा में सभी लोग मिलकर, हमारे IAS है उनको 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है इसी राज्य में, आखिर छोटे छोटे कर्मचारी जो है उनके बारे में इनके पास सोचने के लिए बात करने के लिए समय क्यों नहीं है, यह मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं इस प्रदेश के मुखिया से अनुरोध करूँगा कि ये जो वही कर्मचारी अधिकारी है जो आपके जो है किसान न्याय योजना हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी हो, चाहे गौमूत्र खरीदने का एक नया योजना बना रहे हो आप, चाहे पढ़ई तुहर द्वार, अनेक योजनाएं जिस प्रदेश के कर्मचारियों ने बनाई हैं, और कई अधिकारी कर्मचारी कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए जो इस दुनिया से चले गए, हमारे कई हजारों कर्मचारी या आम जनता जो है यहाँ इस दुनिया से कोरोना के संक्रमण में आ सकते थे, उस चपेट में आकर इस दुनिया से जा सकते थे, उनको रोकने के लिए जिन्होंने काम किया, अपने जीवन को लगा दिया, ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है, यह प्रश्न मेरे मन में भी है। तो महंगाई भत्ता को लेकर एक महाअभियान अगले महीने से शुरू होने वाला है, निश्चित रूप से उससे पहले 15 अगस्त के उस संबोधन पर भी जो मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन के बाद देंगे उस पर नजर होगी। निश्चित रूप से जो आंदोलन की तारीख तय की गई है वो सरकार की तरफ से उन घोषणाओं को ध्यान में रख के ही तय की गई कि शायद जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है उसकी नौबत ना आए, काम जो सुचारू रूप से चलना है वो सुचारू रूप से चले, शिक्षकों को सड़क पर ना आना पड़े वो स्कूल में मौजूद रहे, कर्मचारियों को दफ्तर में मौजूद रहना चाहिए वो दफ्तर में मौजूद है ना कि सड़कों पर आए। निश्चित रूप से अब सरकार को फैसला लेना है और इन आक्रोशित कर्मचारियों के गुस्से को शांत करने की भी कोशिश जरूर सरकार को करनी पड़ेगी जो लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। पहले तो हमने देखा महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर, लेकिन बाद में जिस तरह से कार्रवाई को लेकर GAD का पत्र जारी हुआ उसने और कहीं आक्रोशित कर दिया। हम अपनी बातों को खत्म करें उससे पहले आखिरी सवाल उस पर भी ले लेते हैं। सर, जो फैसला लिया गया GAD की तरफ से पत्र जारी करके कि वेतन काटें या जो भी नियम प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई हो वो करें, किस रूप से देखते हैं? यह निश्चित रूप से दमनकारी आदेश है। आज जो है जो आदेश जारी हुए हैं उस आदेश को लेकर यहाँ सभी साथियों ने मिलकर निंदा प्रस्ताव पारित किया और आज रैली हमने निकाली, रैली निकालकर हमने जो प्रति है उस आदेश के प्रति को भी हमने जलाया है। और हम चाहते हैं कि प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी बहुत आक्रोशित है, मैं इस आक्रोश को मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ और सरकार को इस आक्रोश को समझना होगा। और निश्चित रूप से मान के चलिए 22 अगस्त को वही होने वाला है जो 25 और 29 जुलाई को हुआ था। सर, लेकिन क्या इससे पहले कोई जो आदेश जो जारी हुआ है इस संदर्भ में आपकी तरफ से पहल, क्योंकि लगातार जिलों से ये खबर आ रही है फेडरेशन इसको, क्योंकि फेडरेशन के आह्वान पर हम लोग गए हुए थे और अब कार्रवाई के लिए लगातार पत्र जारी हो रहा है,
आपकी तरफ से इस संबंध में कोई कवायद की जाएगी? नहीं, कल जो है मैं मुख्य सचिव को इस आदेश को वापस लेने के लिए कल मैं पत्र लिखूंगा फेडरेशन के तरफ से। और हमारे साथियों का ये कहना है कि सरकार इस तरह के जो है हमें भयभीत करने का प्रयास करेगी। 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं, एक कोई ऐसा कोई संगठन नहीं जिसमें 5,000-10,000 सदस्य हों। पूरे प्रदेश भर के 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी यदि किसी फेडरेशन में हों और सरकार ऐसा आदेश निकाले तो निश्चित रूप से सरकार बहुत गलत निर्णय ले रही है। सरकार को ऐसे आदेश को वापस लेना चाहिए और जो हमारी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान करने के लिए पहल करना चाहिए। तो आप फेडरेशन की तरफ से सुन रहे थे वो तमाम बातें, तमाम आश्वासन और तमाम ऐलान। निश्चित रूप से 22 अगस्त पर हर किसी की नज़र होगी और उससे पहले जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 15 अगस्त को नज़र होगी जब मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन के बाद संबोधन करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि डीए एचआरए की जीत और अहम की लड़ाई का अंजाम आखिरकार क्या अनिश्चितकालीन आंदोलन ही होता है या फिर उससे पहले ही सरकार कोई कदम उठाकर कर्मचारियों के आक्रोश को खत्म करने की कोशिश करती है। नमस्कार, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। जिंदाबाद।